सड़क के छोले कुलचे से लेकर, अरे बाप रे बाप, नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ रहा ना। लेकिन हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। हाँ, हम तो कह रहे थे सड़क के छोले कुलचे से लेकर रेस्टोरों के इटालियन तक, इटालियन रेस्टोरों तक आपने एक से बढ़कर एक जायकेदार पकवान खाए होंगे। लेकिन पकवान का जायका तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब खाने वाली जगह जबरदस्त हो। ऐसे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई ऐसी भी जगह होगी जहां बेहतरीन खाने के साथ साथ आपको मछलियों के मसाज लेने का मौका मिलेगा, या फिर कोई ऐसी जगह जहां खाना खाने से पहले आपको पहेलियां सुलझानी पड़ेंगी। सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? अरे पूरी वीडियो देखो, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बस सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना, ताकि हम इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। कैफे इकान। मछलियां खाना तो कई सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आपने कभी मछलियों के बीच बैठकर खाना खाने के बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा तो जरा इस शानदार जगह पर नजर डालिए। इस रेस्टोरेंट में आने से पहले आपको बाहर ही अपने जूते चप्पल उतार देने पड़ते हैं और आप केवल नंगे पांव ही इसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि पूरा रेस्टोरेंट पानी से भरा हुआ है और उस पानी में तैरती हुई हजारों की संख्या में मछलियां आपके पैरों के आसपास घूमेंगी। असल में दोस्तों, ये एक तरह की थेरेपी होती है, जिसमें जब ये मछलियां आपके पैरों पर चढ़ती हैं तो काफी रिलैक्सेशन महसूस होता है, और इस तरह की रिलैक्सेशन के साथ आप बेहतरीन खाना खाने को अगर आपको मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा हो जाता है। डेंस लेनोयर। दोस्तों, ये चीज तो आपने अक्सर सुनी होगी कि जब आपका कोई एक सेंस काम करना बंद कर देता है तो बाकी के सेंसेस और ज्यादा तेजी से काम करते हैं, और ठीक ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको लंदन के इस रेस्टोरेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के डाइनिंग एरिया में पूरी तरह से अंधेरा होता है, यानी कि आप क्या खा रहे हैं आपको कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ के लोगों को ऐसा करने के पीछे की वजह यह है कि जब लोग खाना खाने खाने को देखते हैं ना, तो वे उसे अच्छे से खा नहीं पाते और उसका टेस्ट बिल्कुल नहीं ले पाते। इस तरह अगर वो अंधेरे में खाएंगे तो उनको समझ आएगा कि वाकई में उन्होंने क्या चीज खाई है। बस यहाँ पर कस्टमर से एक चीज पूछी जाती है कि आप किस कैटेगरी का खाना खाना पसंद करेंगे। रेड यानी कि मीट वाली कैटेगरी, ब्लू यानी कि सी फूड वाली कैटेगरी, ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन खाने की कैटेगरी, और जो व्हाइट कैटेगरी होती है ना, उसमें रेस्टोरेंट का शेफ आपको अपनी तरफ से कुछ स्पेशल तैयार करके देता है जिसके बारे में आपको भी नहीं पता होता है, और यही इस रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा सरप्राइज है। आइस रेस्टोरेंट। हर सर्दी के मौसम में बिल्डर्स फिनलैंड के रोविनियामी शहर में बर्फ की शानदार बिल्डिंग्स बनाकर तैयार करते हैं। दोस्तों, हम किसी फेरी टेल कैरेक्टर और स्लाइड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, वाकई में यहाँ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और वो बिल्डिंग्स होटल और रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाती हैं। ये होटल और रेस्टोरेंट जिस जगह पर बनाया जाता है वो जगह फ्रेश वाटर से बस कुछ ही दूरी पर है, ताकि इन बिल्डिंग्स में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर आइस से बनी हों, फिर चाहे वो खाने वाले टेबल हों या फिर बर्फी से बनाए गए बर्तन, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए। घबराइए मत, यहाँ का माहौल इतना ज्यादा भी ठंडा नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ की दीवार बनाने में जो बर्फ इस्तेमाल की जाती है ना, वो एक बहुत ही बढ़िया थर्मल इंसुलेशन मटेरियल है, जिसकी वजह से यहाँ बने रेस्टोरों का टेम्परेचर 0 डिग्री से बस कुछ ही पॉइंट्स कम होता है। पर अफसोस, शानदार रेस्टोरों में जाने का मौका केवल आपको कुछ ही महीनों के लिए मिलता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ की बर्फ पिघलती है ये सभी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। द कॉलोनियल ट्रैम कार रेस्टोरेंट। अब बात करते हैं खाना खाने के अनोखे एक्सपीरियंस के बारे में, जिसमें आपको किसी बिल्डिंग में बने रेस्टोरेंट में नहीं जाना है, बल्कि आपका खाना आपके सफर के दौरान एक ट्रैम कार के अंदर मिल जाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका फेवरेट रेस्टोरेंट अब एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा है। बस बात सिर्फ इतनी है कि ये आपको जिस जगह से पिकअप करेगा उसी जगह पर ड्रॉप करेगा। इस पूरे सफर के दौरान आपको बेहतरीन डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और जिन लोगों को मिड 19th सेंचुरीज की चीजें पसंद है उनके लिए तो ये सफर एक अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि इस ट्रम कार में, जिसे आप नॉर्मल भाषा में बस भी कह सकते हैं, इसमें प्रवेश करते ही आप 21st सेंचुरी से डायरेक्ट 19th सेंचुरी में पहुंच जाएंगे। यहाँ की पूरी थीम उसी टाइम के हिसाब से तैयार की गई है, यानी कि आप वाकई में अपने रात का डिनर दो अलग अलग शताब्दी के बीच में कर सकते हैं। खिड़की के बाहर 21वीं शताब्दी है तो वहीं खिड़की के 19वीं शताब्दी। द रॉक। अब भला कोई बेवकूफ ही होगा जो इंडियन ओशन के बीच में मौजूद आइलैंड पर बने रेस्टोरेंट में खाना खाने से मना करेगा। वैसे आपको बता दें कि ये रेस्टोरेंट आइलैंड पर भी नहीं बना है, बल्कि एक पत्थर पर इसे तैयार किया गया है। इस रेस्टोरेंट में केवल 14 टेबल्स हैं, और अगर आपको समुद्र के बीचों बीच मौजूद इस रेस्टोरेंट में कोई बड़ी पार्टी वगैरह करनी है तो 14 महीनों पहले इसे बुक करना पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, आपका ऐसा करना पूरी तरह से जायज है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ का खाना अच्छा है, बल्कि खाना खाते हुए दिखने वाला नजारा उससे और ज्यादा अच्छा है। और इस रेस्टोरेंट पर पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इस रेस्टोरेंट से लेकर समुद्र के किनारे तक का पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए आप तैरते हुए वहां तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपको तैरना नहीं आता तब आप यहां के लोकल रेसिडेंट्स की मदद लेकर इस स्वादिष्ट सी जगह का स्वाद चख सकते हैं। जूल्स वर्ने।
जब हम दुनिया भर के इन शानदार रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो आइए अब हम आपको पेरिस लिए चलते हैं, क्योंकि ये शहर जितना खूबसूरत है यहाँ पर मिलने वाला खाना भी उतना ही खूबसूरत है और यहाँ मौजूद हर रेस्टोरेंट अपने आप में अनोखा है, पर कुछ जगहें वाकई में शानदार हैं। अब जैसे कि आप जूल्स वर्न नाम के इस रेस्टोरेंट को देख लीजिए, जिसे आईफिल टावर के सेकंड फ्लोर पर 125 मीटर की हाइट पर बनाकर तैयार किया गया है। ये रेस्टोरेंट पिछले 20 सालों से लोगों को बेहतरीन खाना सर्व कर रहा है, जहाँ आपको काफी फाइन फ्रेंच क्यूजीन खाने को मिलेगा। वैसे यहाँ के इस मशहूर खाने को खाते वक्त आप पेरिस के इस खूबसूरत नजारे को भी देख सकते हैं। दोस्तों ये रेस्टोरेंट इतना ज्यादा पॉपुलर है कि यहाँ पर कभी भी सीट खाली नहीं होती। जिराफ मैनर। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप अपना स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उतने में ही खिड़की से जिराफ आपका खाना झांकने आ जाए तो कैसा लगेगा। हम आपको कोई कार्टून एनिमेशन का सीन नहीं बता रहे हैं, बल्कि वाकई में केनिया में बनकर तैयार हुआ इस बुटीक होटल जिराफ मैनर में ऐसा ही होता है, जहां आप जिराफ जैसे शानदार जानवर के साथ कुछ समय बिता सकते हैं और चारों तरफ घूमते हुए जिराफ के साथ स्वादिष्ट खाने का लुत्फ भी ले सकते हैं। अब ये होटल हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग जानवर को देखकर चिल्लाना भी शुरू कर देते हैं। ये जगह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्रकृति से प्यार करते हैं और जानवरों के साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, इसीलिए होटल ऐसे लोगों को जानवरों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का पूरा मौका देता है। यहाँ पर मौजूद जिराफ अंदर बैठे लोगों को जब खाते हुए देखता है ना, तो खिड़की से अपना मुंह अंदर कर लेता है और लोग उन्हें अपने मनपसंद का खाना खिलाते हैं और उन्हें प्यार करने के साथ साथ उनके साथ काफी खूबसूरत लम्हे अपने कैमराज में रिकॉर्ड करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर कई सारे लोग इन जानवरों के साथ मौज मस्ती करने आते हैं। स्ट्रीट डिनर। दोस्तों क्या आपको भी जासूस बनकर खोजबीन करना पसंद है? अगर हाँ तो इससे बेहतरीन जगह आपके लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि इटली में बने फेरेरा नाम के इस शानदार रेस्टोरेंट में आपके लिए कई सारी एक्साइटिंग चीजें मौजूद हैं। इस रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही विजिटर अपना ऑर्डर देता है और अपना फोन नंबर वहीं पर छोड़ देता है, जिसके बाद आपको आपके मोबाइल फोन में कई सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसको फॉलो करते हुए आपको अपना खाना ढूंढना है। जी हाँ, यहाँ पर खाना आपके टेबल पर आपके पास नहीं पहुँचता, बल्कि आपको ट्रेजर हंटिंग की तरह अपने खाने को ढूंढना पड़ता है। अपना खाना ढूंढते टाइम आप इस जगह को बहुत अच्छे से घूम लेते हैं और यही इस रेस्टोरेंट का मेन पर्पस भी है, ताकि यहाँ आने वाले लोग ना सिर्फ बैठकर खाना खाएं बल्कि अपने दिमाग को घोड़ी की तरह दौड़ाएं और फिर जब वो थक हार कर अंत में अपना खाना देखेंगे तो उन्हें उसका स्वाद और ज्यादा पसंद आएगा। हालांकि उसके पहले आपको 60 यूरो जमा करने होते हैं और आपको इस पूरे स्ट्रीट डिनर को करने के लिए एक टी शर्ट भी मिलती है, यानी कि ये पूरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा शानदार बना दिया जाता है कि आप खाना छोड़कर हर एक चीज के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और फिर जब अंत में आपके सामने स्वादिष्ट खाना आता है ना, तो आप उसे फुल सेटिस्फेक्शन के साथ खाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को बिना देरी किए अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।